हेलो फ्रेंड्स, तोसी फिशिंग में आपको स्वागत है। आज हम तिलापिया मछली का सबसे आसान चारा बनाना देखेंगे। ये बहुत ही आसान है और बहुत ही बढ़िया चारा है दोस्तों, और इसका रिज़ल्ट भी 100% आएगा। तो हम इसी के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं ये कलर है दोस्तों, खाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, देखिए। और ऑरेंज कलर है ये, और हमने लिया कॉर्न फ्लावर, मैदा और गेहूं का आटा, और हमने इसमें गरम मसाला भी लिया है। गरम मसाला हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो पहले हम तीनों आटे को मिक्स कर लेते हैं। मैं वीडियो के लिए दोस्तों थोड़ा बाइट बना रहा हूँ, आप क्वांटिटी में बना सकते हैं, रिज़ल्ट 100% आएगा दोस्तों। बहुत बढ़िया बाइट है ये। तिलापिया मछली के साथ साथ आप इस पे ब्लैक रोहू मछली भी पकड़ सकते हैं, ब्लैक रोहू भी इस पे अच्छे से लग जाती है। अब हम इसमें कलर यूज़ करेंगे। ये हमारे पास ऑरेंज कलर है, इसमें और बहुत से कलर आते हैं, आप कोई भी कलर इस्तेमाल कर सकते हैं जो खाने में इस्तेमाल किए जाते हैं। हमें बस थोड़ा सा कलर लेना है दोस्तों। कलर से मछली अट्रैक्शन होती है बाइट के लिए। इसमें रेड कलर भी आता है, ये ऑरेंज कलर है, इसमें येलो कलर भी आता है। आपको किसी भी किराना स्टोर में मिल जाएगा। अब हम इसमें गरम मसाला डालेंगे। गरम मसाला हमें थोड़ा डालना है दोस्तों। अब हम इसे मिला लेते हैं पूरा अच्छे से। अब हम इसमें पानी डाल रहे हैं, हमें इसमें पानी में गूंदना है इस आटे को, इसीलिए हम पानी इस्तेमाल करेंगे। पानी आप थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल कीजिए ताकि हमारा ये जो आटा है ज़्यादा पतला ना हो जाए। दोस्तों तिलापिया मछली के बहुत से बाइट हैं, बहुत से अलग अलग बाइट हैं दोस्तों। मैं उन सभी बाइट की वीडियो बनाऊंगा, आप चैनल में जुड़े रहिए दोस्तों, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों अभी ठंडी का मौसम शुरू हो रहा है, तो ठंडी के मौसम में पानी पूरा सफ़ेद हुआ होता है नदी का, तो सफ़ेद पानी में दोस्तों कलर मछली को अट्रैक्शन करती है। इसलिए हम जब भी बाइट बनाएंगे इसमें कलर इस्तेमाल कीजिए, उससे मछली बाइट की तरफ खींची चली जाती है, और रिजल्ट 100% है दोस्तों इसका, इस बाइट का।
और दोस्तों अगर पानी लाल हो, जैसे बारिश के मौसम में लाल होता है पानी, तब हमें इसमें स्मेल वाली चीज़ें इस्तेमाल करनी पड़ेगी, जैसे कि अंडा इस्तेमाल करेंगे हम या फिर हींग। लेकिन अभी पानी सफ़ेद इसलिए हम इसमें कलर इस्तेमाल कर रहे हैं। और बहुत से बाइट है, मैं आपको पूरे डिटेल्स में एक एक करके पूरी वीडियो में बता दूंगा आपको दोस्तों। बहुत से मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कुछ भी जो भी सवाल होंगे आप मुझे कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, मैं उनके जवाब ज़रूर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।